इसके नीचे एक दूसरी मंजिल भी हुआ करती थी। यहां से आइए, इस जमीन की कीमत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा महंगी है। इसीलिए जब कभी भी टोडरमल जी की बात आती है तो गुरु गोविंद जी के इतिहास को साथ में जोड़ दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको अपनी टीम के साथ में एक बार फिर से नए स्थान पर लेकर आ गया हूं, नए इतिहास के साथ में रूबरू करवाने वाला हूं। दोस्तों आज हम लोग आ चुके हैं पंजाब के फतेहगढ़ साहिब नामक डिस्ट्रिक्ट के अंदर और यहां पर हम लोगों को मिले है तकरीबन 350 वर्ष पुरानी एक ऐसा महल या एक ऐसी हवेली जिसे कहा जाता है टोडरमल की हवेली या जहाज महल। आप मेरे पीछे जो ये पूरी की पूरी हवेली देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है टोडरमल का एक महल या उनकी जहाज कोठी के रूप में आप इसे कह सकते हैं। और यदि हम इसकी बाकी बातों को देखेंगे तो आप उसके इतिहास को सुनकर बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करने वाले हैं और उस इतिहास के अंदर इतना ज़्यादा खो जाएंगे और ये सोचने वाले हैं कि विक्रम भाई ये वाली बात हमने आज तक क्यों नहीं सुनी थी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। मेरे साथ आप लोग इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, vedanshree3393 मेरी आईडी है, ताकि किसी भी तरह की बातचीत आप मेरे साथ वहाँ पे कर सकें। चलिए दोस्तों करते हैं अपनी आज की वाली वीडियो मज़ेदार तरीके से शुरू। इस हिस्से से शुरुआत करते हैं तो आप लोग जहां पर भी इस हवेली को देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ पतली ईंटों की एक बहुत विशाल इमारत दिखाई देने वाली है। और दोस्तों ये वाली जो इमारत है वो इतने वर्षों के बाद भी हमें अधिकांश भाग तो इसका सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ बीच वाला जो हिस्सा है वो टूट चुका है। इसके अंदर पतली लाल ईंटों का प्रयोग किया गया है जिसे सरहंद ईंटें कहा जाता है। बेसिक तरीके से हम लोग इसको बादशाही ईंटें कहते हैं, लेकिन अब हम पंजाब में हैं तो हम उन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे जो शब्द इन ईंटों के लिए इस स्थान के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। थोड़ा आगे की तरफ आते हैं हम लोग यहाँ पे और हम इस पूरी हवेली को, इस पूरे महल को, कोठी को यहाँ से देखना ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि यहाँ से हम इसके अधिकांश हिस्सों को देख पाएंगे, इसकी बनावट को समझ पाएंगे, इसके मूल रूप को देखने में और मदद मिलेगी। दोस्तों ये किसी समय जब एक पूरी कोठी रही थी, पूरा एक महल रहा था, तो यहाँ पर विशाल कमरे हुआ करते थे और इस विशाल कमरों के जो मालिक थे उनका नाम था टोडरमल जी। टोडरमल एक समय के बहुत बड़े व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे और वो पंजाब के जो गवर्नर थे जिनका नाम था नवाब वज़ीर खान, उनकी सेना के अंदर ही शामिल थे, वहीं पर लिखाई पढ़ाई का काम कुछ संभाला करते थे उन नवाब का। तो उसी समय इस पूरी के पूरी कोठी को बनाया गया था और आज भी इसके कुछ अवशेष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कुछ अवशेष जमीन के अंदर दब चुके हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों दबे, कैसे दबे। थोड़ा सा हम इस तरफ का जिक्र ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों को सामने की तरफ ज़्यादातर जो भाग है वो टूटा हुआ दिखाई दे रहा है और सही तरीके से बिल्कुल नहीं पता लगा जा सकता कि कौन सा कमरा किस चीज़ का होगा और किस कमरे का क्या महत्व होगा। नीचे वाले हिस्से को जो आप एक सिमेट्री में देख रहे हैं, इसको तो खैर बाद में ईंटों को कलेक्ट करके ऐसी फॉर्म दी गई है, लेकिन किसी समय का एक ये बहुत बड़ा महल रहा होगा और इसका जो नाम है जहाज महल वो इसकी आकृति की वजह से इसको दिया गया होगा। क्योंकि जब आप इसकी आकृति को यहाँ से देखना शुरू करेंगे तो आप लोगों को आज के समय तो शायद ये जहाज की तरह ना दिखाई दे, लेकिन किसी समय ये जहाज महल बना हुआ था। बाकी चीजों को देखेंगे, इतिहास को बहुत बारीकी से समझने वाले दोस्तों यहाँ पे हम, और वो इतिहास आप लोगों के रोंगटे तक खड़े कर देगा क्योंकि यहाँ का जो इतिहास है काफी दमदार भी है और काफी ज्यादा गौरवान्वित महसूस करवाने वाला भी है। इस तरफ जब हम आएंगे तो यहाँ पर हम लोगों को उस समय का एक स्विमिंग पूल दिखाई देगा जो टोडरमल जी के द्वारा बनवाया गया था। ये पॉइंट उतरने के लिए रहे होंगे और आज इसके अंदर पानी तो बिल्कुल भी नहीं है। और यदि हम इस महल के पीछे वाले हिस्से को देखते हैं तो आप लोगों के समक्ष ये पूरा ऐसा दिखाई देता है। इसकी रिपेयरिंग भी करवाई गई है क्योंकि इतिहास इसका काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, उसको हम एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, देख लेते हैं, जिसके लिए थोड़ा आगे चलेंगे, वहाँ इतिहास को और बारीकी से समझेंगे। आइए
नज़ारा काफ़ी बेहतरीन है, जहाँ भी आप देखेंगे वहीं पे आप लोगों को पुराने समय की याद दिखेगी। यहाँ देखिए दोस्तों, ये उस समय के कमरे हैं और बीच में इनके कौन सा मसाला इस्तेमाल किया जाता था जिससे इतने मजबूत होते, वो आपको सामने देखने को मिल रहा है। बीच में जो लोहे के आपको ये जॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, बाद में लगाए गए हैं ये वाले, ताकि जो दीवारें टूट रही थी उसको बचाया जा सके। और सबसे प्रमुख बात बताता हूँ मैं आपको, जो आज भी एक बहुत बड़ा सबूत के तौर पे पेश होती है यहाँ पे, ये इस कोठी का दूसरी तरफ का हिस्सा है। ये एक गलियारा हम लोगों को मालूम पड़ता है। देखिए दोस्तों, ये है इसका सबसे प्रमुख भाग। इस वाले हिस्से को देख के तो ऐसा लगता है कि शायद पानी वगैरह यहाँ पे रहता होगा और उसके बाद में पानी अंदर या बाहर आता होगा। ये इसका एक मेन कमरा, एक कक्ष है, और सामने की तरफ आप लोगों को अंदर के हिस्से में मिट्टी भरी हुई दिखाई दे रही होगी। इस मिट्टी का भी एक अपने आप में इतिहास है, मैं बताता हूँ। आइए, '93 के समय में पंजाब सूबे वाले एरिया में एक ऐसी भारी बाढ़ आई थी, जिस बाढ़ के बाद में इस महल का नक्शा ही बदल गया। नीचे जो आप लोगों को ये मिट्टी भरी हुई दिखाई दे रही है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी बाढ़ का एक कारण है, क्योंकि इसके नीचे एक दूसरी मंजिल भी हुआ करती थी। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो उसकी मूल मंजिल नहीं है, यानी कि सेकंड फ्लोर पे हम खड़े हैं। ग्राउंड फ्लोर आज भी इस मिट्टी के नीचे दफन है, दबा हुआ है। और दोस्तों, टोडरमल की जो एक विशाल और एक बहुत बड़ी हवेली किसी समय रौनक के साथ में भरी थी, आज उसको बचाने की कोशिश फिर से की जा रही है। उसके कुछ हिस्सों को आज भी संरक्षित रखने की जो एक मुहिम है वो अब शुरू की गई है। अभी मैं आप लोगों को इसके बाकी अंशों में घुमाऊंगा और इतिहास के साथ में आप लोगों को जोड़ दूंगा। यहां से आइए, इस स्थान का जो इतिहास है वो हमारे सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद जी के बच्चों के शहादत के साथ में जुड़ा हुआ है। यहां के जो नवाब थे जिनका नाम था वजीर खान, उन्होंने 7 वर्ष और 9 वर्ष के दो नादान साहिबजादों, जो कि गुरु गोविंद जी के दो छोटे बेटे थे, एक का नाम था जोरावर सिंह और दूसरे का नाम था फतेह सिंह जी, उनको दीवार के अंदर चुनवा दिया था। और जिसकी शहादत यानी कि अंतिम संस्कार का जो निर्णय लिया था वो टोडरमल जी ने लिया था। और ये निर्णय एक सेकंड के लिए आप ऐसा मान सकते हैं कि उनकी जिंदगी को पूरे का पूरा बदल दिया, क्योंकि यहाँ के जो नवाब थे वो सिखों से, उनका हमेशा 36 का आंकड़ा था। इसीलिए जब टोडरमल जी ने ये कहा कि मैं दोनों साहिबजादों का और गुरु गोविंद जी की माता गुजरी का अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ, तो जिस स्थान पर उनकी माता का अंतिम संस्कार और उन बच्चों का अंतिम संस्कार किया जाना था, उसकी कीमत उस नवाब ने इतनी ज़्यादा बढ़ा दी, जो आज के समय में इस कहावत के साथ फेमस है कि इस जमीन की कीमत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा महंगी है। क्योंकि उस समय नवाब ने कहा कि अंतिम संस्कार के लिए टोडरमल जी जितनी आपको जमीन चाहिए आप ले लो, लेकिन सारी जमीन के ऊपर इस प्रकार से वर्टिकल तरीके से आपको सोने के सिक्के बिल्कुल भिड़ा भिड़ा के टच करके खड़े करने पड़ेंगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि टोडरमल जी को अपना ये महल, अपनी शानो शौकत की कोठी और अपने सारे के सारे बिजनेस के पैसे उस जमीन को उस अंतिम संस्कार में लगा दिए। इसीलिए जब कभी भी टोडरमल जी की बात आती है तो गुरु गोविंद जी के इतिहास को साथ में जोड़ दिया जाता है। अभी हम इसके अंदर के नज़ारे को देखते हैं, फिर बाद में और इतिहास की बातों को देखेंगे। ये एक बहुत बेहतरीन कक्ष बना हुआ है और इस बेहतरीन कक्ष के अंदर बहुत सारी खिड़की नुमा अंदर की तरफ आप लोगों को डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा,
और जब मैं यहां से और अंदर आता हूं तो हम इसके दूसरे रूम में प्रवेश कर जाएंगे यहां से। और ये जो रूम है ये थोड़ा सा छोटा है पहले वाले से, लेकिन इसको देखो ऊपर वाले हिस्से को किस तरीके से बचाने की कोशिश की गई है, और यहाँ की सरकार ने एक सराहनीय काम किया है इसको प्रोटेक्ट करके, हर दीवार पे लोहे के एंगल और बुलेट्स लगा के, ताकि इस स्थान को लंबे समय तक और भी लंबा बचाया जा सके, लोगों के लिए दर्शनीय बनाया जा सके। अभी हम इसके और ऊपर वाले हिस्से में जाएंगे, उसके लिए रास्ता देखते हैं कहाँ से बनता है, फिर आपको बाकी बातें भी बताने वाले हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखा है, क्योंकि ऊपर की जो बिल्डिंग है वो आज के समय में टूट चुकी है, इसलिए ऊपर जाने की सीढ़ियाँ बंद कर दी गई हैं। लेकिन आज के टाइम में भी ये हम लोगों को चार मंजिला इमारत दिखाई दे रही है, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और एक लास्ट और अंतिम बात मैं आपको बताता हूँ, टोडरमल जी ने साहिबजादों का और माता जी का जो अंतिम संस्कार किया था, उस स्थान का एग्जैक्ट नाम है ज्योति स्वरूप, और वो पॉइंट यहाँ से तकरीबन 400-500 मीटर या 1 किलोमीटर के पास में ही पड़ता है। उस स्थान को भी आप लोग जब भी यहाँ आते तो उसको ज़रूर देखिएगा दोस्तों। इस पूरी वीडियो को बनाने में हमें बहुत अच्छा लगा, और जब कभी भी आप यहाँ आते हैं तो यहाँ के गुरुद्वारों को भी विज़िट कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को यहाँ घूम के कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में बोलिएगा दोस्तों कि आपको अगली वीडियो कहाँ की चाहिए है, और जो भी लोग हमारे इस वीडियो पे सबसे पहले 3 लोग कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, उनको हम अपनी अगली वीडियो में कोशिश करेंगे उनको शाउट आउट दिया जाए। नई वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।